सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे सबको सेहतन से नवाजे, अल्लाह उधर के परेशानियों को दूर करे, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आए हैं, नई रेसिपी लेके आए हैं। इसका नाम है चिकन चुक्का। आप चाहे तो चिकन सुक्का भी बोल सकते हैं, मगर इसका नाम ही है चिकन चुक्का। बल्कि ये चिकन है, मैं तकरीबन ये 1 किलो चिकन है। चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके रख ली मैं। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट है ये प्याज है, गोल्डन ब्राउन प्याज तली हुई। मैं पहले से तल के अच्छी तरह से रख ली, एकदम गोल्डन ब्राउन है। देखिए कलर कितना अच्छा है प्याज का, एकदम कड़क प्याज है। मैं पहले से ब्राउन करके रख ली प्याज का कलर। और ये अपन चिकन चुक्के के साथ अपन बना रहे लच्छा बन, जो लच्छा पराठा आता है उसके साथ लच्छा बन भी आता, वैसी ही बाजार में जैसा मिलता सेम वैसी ही बन के रेडी होता, लच्छा बन बोल के आता। लच्छा पराठा बोले तो अपना गोल रहता, ये बन के टाइप में आता। इसके लिए मैं 2 कप मैदा ले ली। सबसे पहले अपन मैदा आटा भिगा लेंगे। उसके लिए एक बॉल ले लेंगे आटा भिगाने के लिए। मैदे को मैं अच्छा छान के रख ली, 2 कप मैदा है ये। इसके बाद अपन इसमें नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चलिए मैं 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून शक्कर का, शक्कर ही है अपनी जो नॉर्मल शक्कर ज़्यादा डालना। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे शक्कर और नमक को। इसमें चाहे तो आप अंडा भी डाल सकते हैं। अंडा क्या है, भोजन है, अवॉइड करते हैं अंडा खाना, इस वास्ते मैं नहीं डाल रही हूँ अंडा इसमें। आप चाहे तो डाल सकते हैं अंडा। चलिए अच्छे तरह से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर दूध ऐड करेंगे अपन इस तरीके से, तकरीबन 1/2 कप दूध है ये। चलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे इसमें, चमचे को निकाल लेंगे, हाथ से ही मिलाएंगे। हाथ से मिक्स करने से अच्छा रहता आटा। आटा अपन जैसा डेली यूज़ का आटा जैसा भिगाते अपन वैसे ही भिगा लेंगे आटा। उसके बाद बताऊंगी नेक्स्ट। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड भी करेंगे इसमें। चलिए अच्छी तरह से आटा अपना गुनेगा। अब इसमें तेल डाल लेंगे अपन, तेल अच्छा डालना और आटे को अच्छा गुनना अपन। चलिए तेल डाल देंगे, तेल डालते कि ये 5 से 10 मिनट्स तक इसको रेस्ट के लिए रखेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट बताऊंगी मैं। चलिए आटा रेस्ट के लिए रख दी मैं। चलिए अभी इसको चिकन को मैरिनेट कर लेंगे अपन। 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें, 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको, नमक और अदरक लहसुन को। ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच दही डाल देंगे इसमें, दही से टेस्ट अच्छा आता और जूसी बन के रेडी होता दही डालने से। दही को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें। चलिए दही भी अच्छा मिक्स कर लिया, अदरक लहसुन नमक भी अच्छा मिक्स हो गया अपना। अब इसको एक साइड में रख लेंगे, नेक्स्ट फिर बताऊँगी। चलिए आटा अपना अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट तक रेस्ट के लिए रखेंगे। उसके बाद एक ऐसा डिश ले लेंगे, डिश में अपन पेड़े बना लेंगे इसमें। गोल 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 पूरे अच्छे पेड़े बना लेंगे इसको। ऐसे पेड़े बना लेंगे। चलिए पूरे पेड़े बन के रेडी है, तकरीबन 5 पेड़े बने हैं अपने आटे में। इसमें तेल अच्छा डाल देंगे, तेल अच्छा रहना इसमें। चलिए तेल अच्छा डाली, देखिए मैं ऐसे ही तेल में नीचे ऊपर करके रखेंगे इसको पेड़ों को, ताकि अपने आटा भी अच्छा नरम बन के रेडी हो। ऐसा लच्छा पराठे को आटा नरम रहना अच्छा और तेल बहुत रहता। चलिए अब इसको ढाप के अपन तकरीबन
15 मिनट्स तक रखेंगे इसको रेस्ट के लिए। उसके बाद पे नेक्स्ट पहले मैं कढ़ाई रख ली, कढ़ाई में तेल ऐड कर लेंगे। तेल ज़्यादा नहीं डालना, बहुत कम डालना, तकरीबन 3 से 4 चम्मच डाली, क्योंकि चिकन का सालन है इसमें तेल बहुत वो होता। उसके बाद अपन एक एक करके इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले हरी मिर्ची तोड़ के डाल रही, 1 में से 3 हरी मिर्ची है ये, हरी मिर्ची से टेस्ट अच्छा आता। चलिए ज़्यादा अपन इसको पकाएंगे नहीं, थोड़ा लाइट खाली भून लेंगे। एक के बाद मीडियम आंच रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना। एक के बाद एक इंग्रेडिएंट्स डालेंगे अपन इसमें। सबसे पहले लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून। उसके बाद हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर है, भुना कुटावा धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून के उतना डाल रही हूँ मैं इसमें। सारे इंग्रीडियंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अदरक लहसुन और नमक अपन पहले से चिकन में मिला के रखे थे, इस वजह से नहीं डाली मैं। अब नेक्स्ट अपन इसमें टमाटे में बारीक कट करके रख ली टमाटे, टमाटों को ऐड कर देंगे इसमें। 3 से 4 टमाटे हैं, टमाटों को अच्छी तरह से बारीक कर लिया। अब इसको अच्छा भून लेंगे अपन, टमाटे अच्छा गल जाना अपने तब भुनेंगे। एकदम नई रेसिपी, बहुत अच्छी और बहुत इजी, कम इंग्रेडिएंट्स की रेसिपी है ये, ज़रूर ट्राई करिए घर में आप ये रेसिपी को, बहुत अच्छी बन के रेडी होती है रेसिपी है। चलिए टमाटे अपने अच्छी तरह से भुने गए, अब इसमें अपन चिकन मैरिनेट करें सो चिकन डाल देंगे, अदरक लहसुन नमक और दही मिक्स करके रखे थे अपन। चिकन का मीडियम आंच ही रखना अपन चिकन डालते वक्त। अब इसको अच्छा नीचे ऊपर कर लेंगे चिकन को, पानी ज़रा भी नहीं डालेंगे अपन इसमें, क्योंकि दही का और चिकन का पानी पहले से बहुत छूटता पानी है। चलिए 5 मिनट्स तक इसका ढक्कन ढाँप देंगे अपन। 5 मिनट्स के बाद फिर नेक्स्ट बताऊंगे। माशाल्लाह से देख सकते हैं पानी अच्छा छूटा, देखिए पानी ज़रा भी नहीं डाले थे अपन। साथ ही अपन इसमें प्याज डाल देंगे, तली हुई प्याज, हाथ से ही थोड़ी थोड़ी लेके ऐसा चूरा चूरा हाथ में ही चूरा करेंगे इसको। और प्याज अच्छी डालना कभी भी इसमें, और ज़्यादा एकदम ऐसा डार्क ब्राउन नहीं कर देना प्याज का कलर, क्योंकि अपना सालन काला हो जाता, लाइट ब्राउनिज करना। और प्याज इसका प्याज ही है मेन इंग्रेडिएंट, प्याज अच्छी डालना इसमें। जितनी पूरी तले थे मैं उतनी डाल दी, देखिए प्याज, प्याज से ही टेस्ट आता है इसका। इसको फिर 5 मिनट्स तक ऐसे ही ढक्कन मीडियम आंच पे रखेंगे, ढक्कन लगा के इसका, ताकि प्याज और चिकन वे सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाना अपना, और गल भी जाना प्याज भी और चिकन भी। 5 मिनट्स तक रख देंगे मीडियम आंच पे, उसके बाद बताऊँगी। चलिए एक बार देखेंगे अपन एक बार, माशाल्लाह से देखिए अच्छी तरह से तेल आ गया। और इसको अच्छा भुनना, जितना अच्छा भुने जाएंगे उतना अच्छा बन के रेडी होता, भुनना अच्छा इसको, चिकन भी अच्छी तरह से गल गया, देखिए चिकन पूरा अच्छा गल गया, देखिए। पूरा मसाला अच्छी तरह से भुने जाना ये। चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से भुने जा रहा है ये। साथ ही अपन इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड करेंगे, ये होममेड गरम मसाला है ये, 1/2 टीस्पून के इतना गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें। गरम मसाले से खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी। साथ ही अपन इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्ची ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से भुनेंगे इसको, जितना अच्छा भुनेंगे आप उतना अच्छा टेस्ट आता है इसका, भुनना अच्छा, पूरा सूख जाना ये पूरा गोश्त को, पूरा मसाला लपट जाना पूरा, उतना भुनना है इसको।
चलिए हरा मसाला ऐड कर देंगे इसमें, कोथमीर पुदीना, ऊपर से अपन करियापाक ऐड करेंगे इसमें। करियापाक से टेस्ट खुशबूदार भी बन के रेडी होता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसमें। चलिए अपना सालन बन के रेडी हो गया। अगर आपको नमक कम दिख रहा तो नमक ऐड कर सकते हैं आप, मेरे को तो बराबर दिख रहा नमक। मैं चिकन को ही लगा दी थी नमक। नींबू ऐड करेंगे हाफ, आधा नींबू है ये, नींबू ऐड करेंगे अपन इसमें। ये मसाले बाद मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। चलिए अब इसको दम पे मीडियम आंच पे रख देंगे, एकदम स्लो आंच पे रखेंगे इसको दम होने के लिए। पूरा अभी सूख जाता है ये सालन, पूरा चिकन को ही पूरा मसाला लग जाता पूरा, ये उतना सूख जाना पूरा, ये सूखा चिकन भी बोल सकते हैं आप, चुक्का चिकन भी बोल सकते हैं इसको। माशाल्लाह से खुशबू बहुत अच्छी आ रही इसकी। चलिए अब मीडियम आंच पे रख देंगे इसको, नेक्स्ट बताऊंगी फिर मैं आपको। पेड़े बना के रख लिए थे अपन इसके, एक एक करके पेड़ा लेंगे अपन। तेल अच्छा डाल के रखे थे इसको, पेड़ों को साइड में रख लेंगे। अब इसको अच्छा ऐसा फैला लेंगे, हाथ से ही करना है इसको, हाथ से आप जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा बन के रेडी होता है ये। पूरा हाथ से ही फैला लेंगे अपन, रोटी के जैसा बेल लेंगे हाथ से ही। जितनी हो सके पतली आप उतना पतला करना साइडों से भी पूरा, ताकि लच्छे अच्छे आना। देखिए कितना पतला करी मैं, इसके ऊपर तेल लाइट कर देंगे अपन थोड़ा सर का, तेल को अच्छा फैला लेंगे। अब इसको अच्छा फोल्ड कर लेंगे। ये बन है लच्छा बन, जो बाज़ार में मिलता वो है, ये पाकिस्तानी डिश है एकदम, ये हर कोई बहुत पसंद करेंगे ये डिश को। चलिए इसको फोल्ड कर लेंगे अपन आहिस्तगी से ऐसा। चलिए देखिए अच्छी तरह से लच्छे भी आ गए, देखिए। अब इसको ही ऐसा ज़्यादा नहीं दबाएंगे, पतला नहीं करेंगे, मोटा मोटा रखेंगे इसको। चलिए ऐसे ही बना लेंगे पूरे, देख सकते हैं ऐसे ही दूसरे भी बना लेंगे अपन। नरम हुआ तो खुद ब खुद ऐसा बेले, हाथ से ही कर सकते अपन नरम हुआ तो। चलिए इसको भी एक बता दूंगी मैं, ये साइड एक बार ऐसा ले लेंगे ये साइड, फिर ये साइड एक बार ऐसा ले लेंगे पूरा। चलिए इस तरीके से मोड़ेंगे इसको,
बस ज़्यादा नहीं करना क्योंकि बन है ये, मोटा मोटा रहना है ये ज़रा। चलिए देख सकते हैं लच्छे भी आए अपने अच्छी तरह से। चलिए ऐसे ही पूरे बना लेंगे। चलिए माशाल्लाह से पूरे बन के रेडी हो गए अपने लच्छा पराठा। चलिए अब इसको अपन फ्राई करेंगे। चलिए ये भी चिकन भी अपना बन के रेडी हो गया। देखिए पूरा अच्छा सूख गया, जैसा मैं चाह रही थी वैसे ही बन के रेडी हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। आप लोग भी ज़रूर माशाल्लाह बोलिए और कमेंट करके ज़रूर बोलिए कि कैसा बना ये सालन। झटपट बन के रेडी होने वाली रेसिपी है ये। कुछ नया खाना दिल भरा तो प्लीज़ ज़रूर बना के ट्राई करिए ये रेसिपी को। चलिए इसको अपन ढक्कन लगा देखे इसको साइड में रख लेंगे, अपन लच्छा पराठा बना लेंगे। चलिए तवा रख ली मैं, सबसे पहले अपन तेल लाइट कर देंगे इसमें ताकि अपना पराठा चिपके नहीं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ पराठा अपना। चलिए इसको अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर करेंगे इसको पराठे का अपन। पूरा बाजार जैसा बन के रेडी होता है। इसको पलटा लेंगे एक साइड। अच्छे तरह से गोल्डन ब्राउन हो रहा है इसका कलर। चलिए अब इसको भी पलटा लेंगे अपन। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ अपना लच्छा पराठा। देख सकते हैं पूरे लच्छे है, देखिए पूरे ये। चलिए अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ, देखिए पूरे लच्छे है सो। माशाल्लाह से तो तेल अच्छा निकाल लेंगे इसका। चलिए नेक्स्ट भी ऐसे कर लेंगे अपन। नेक्स्ट को भी ऐसे ही कर लेंगे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर। चलिए नेक्स्ट पराठा भी बन के रेडी हो गया। चलिए अब सर्व करके बताऊंगी मैं आपको। पूरे ज़बरदस्त लच्छेदार ज़बरदस्त अपने बन के रेडी हुए, देखिए। चलिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त अपने लच्छे पराठे बन के रेडी हुए, देख सकते हैं बहुत गर्म है पर अच्छे ज़बरदस्त बने। देखिए लच्छे ये बहुत गर्म है, ठंडे हुए तो बताऊंगी मैं। सबसे पहले अपन चिकन बना लिए थे, चिकन को सर्व करेंगे अपन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ज़बरदस्त चिकन अपना बन के रेडी हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त अपने लच्छे बन पराठे जो भी बोले आप। ती नरम देखिए। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त अपने लच्छे पराठे बन के रेडी हुए, जैसा बाजार में मिलता सेम वैसे छह। देखिए ये टेस्ट करेंगे अपन सालन। जबरदस्त नींबू ऐड करेंगे इसमें। बहुत मज़े का बना लच्छा पराठा, भी बहुत ज़बरदस्त नरम मुलायम बने एकदम। ज़रूर आप भी टेस्ट करिए, देखिए बहुत अच्छे बने। ऐसे ही पूरे अपन तोड़ेंगे। पूरे देखिए लच्छे आ गए सब पूरे, बहुत गर्म है।
चलिए, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट में ज़रूर बताना कि रेसिपी पसंद आई नहीं आई, ज़रूर बताना। चलिए, जब तक के अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी देखे होंगे मैं, दुआ में याद रखिए। शब खैर।